25 ਤੀਹ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ अच्छा स्तौज पिंड है जी भगवंत मान वाला नमस्कार किसान भाइयों राम राम भाइयों एक तो आज की वीडियो में आपको 605 टॉप मॉडल दिखाऊंगा जी कि क्या क्या फर्क है जो पंजाब साइड ट्रैक्टर चलते हैं और भाइयों पूरी ट्रॉली है इसके पीछे बापू कितने फुट की ट्रॉली 25 फुट की ट्राली है जी और ट्राली के जो टायर हैं वो 8 टायर हैं बिल्कुल है नए टायर लगे हुए देखो जी भाई पूरी लोडेड है इस ट्राली की कई वीडियो बनाई है मैंने सरदार जी पिंड केड़ा पिंड जीतलाना ट्राई था जी पिंड मेरा स्तौज है भगवंत मान वाला अच्छा स्तौज पिंड है जी भगवंत मान वाला ठीक है ये ट्रैक्टर कितने का जी ये उत्थे पंजाब दे विच 9 लाख दा जी 9 लाख रुपए च निकला जी ट्रैक्टर ते ट्राली275 क्विंटल बोस है ये लंबाई कितनी है जी इहदी लंबाई बादी बादी है जी 25 फुट हां तो नाली पाइप है तो 42 फुट ਠੀਕ ਆ ਆਪੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਪੈਂਦਾ ਆਉਣਾ 300 ਤਾਂ ਜੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹੋ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈਓ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਬੰਪਰ ਲਗਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬੰਪਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ PV13 VP ਵਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਆਇਲ ਮਸਟ ਲਗਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਕੋ ਸੁੱਕਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੁੱਕਾ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੁੱਕਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਜੋ ਹੈ 에ਅਰ ਕਲੀਨਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਇਹਨ ਬੜੀਆ ਲਗਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਪੂਰਾ ਇਹਨ ਦਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ ਸੇ ਵੀ 에ਅਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪਾਈਪ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹਨ ਕੋ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੇ ਹੀ ਪੂਰੇ RPM ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਨੇ ਵਜਨ ਪੇ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਪੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਤਾ और बहुत सारे भाई वहम करते हैं जी साइड गियर का कि जी ये हो जाता है वो हो जाता है देखो भाई वो पूरे हैवी ट्रोले पे साइड गियर ट्रैक्टर चल रहा है टॉप मॉडल और इसके अपने ही नज़ारा है जी साइड गियर का भाई वो प्लेटफॉर्म का भी फ़र्क रहता है तो पूरा एन बढ़िया फ़र्क है जी इसका तो भाई वो स्टार्ट गियर इधर से न्यूट्रल करके ये स्टार्ट होगा तो मैं आपको आवाज़ चेक कराता हूँ जी इसकी क्योंकि जो इनके किराए वालों के ट्रैक्टर होते हैं जी वो पूरे एन खिचे तने होते हैं तो भाई एक बार स्टार्ट करके देखते हैं ट्रैक्टर को 445 घंटे ट्रैक्टर चल चुका है तो भाई पूरा है तगड़ा हिसाब किताब बना रखा है ट्रैक्टर भाई तेल वगैरह बढ़ा के RPM खोल के बापू टॉप गियर फड़ लेंदा ट्राले ते मोशन फड़ा के ड्राइवर दे उत्ते गल आ हना ते चलाउना किवें हो जी इहनू तो भाई पूरा ट्रैक्टर है उछल उछल के जा रहा क्योंकि डीजल की सप्लाई वगैरह बढ़ा रखी है न पूरी अच्छा डीजल कितना लैंदा जी ये 15,000 आने जाना जी 300 किलोमीटर च 15,000 का डीजल खा जाता ठीक है तो भाई वो 15,000 रुपये का डीजल ले लेता तो भाई बड़ा एक 20 लाख रुपए का बारदाना है जी अपना सभी सिस्टम बना रखे हैं और ये जो अर्जुन 605 ट्रैक्टर है जी पिछला हिस्सा हैवी है सारा कुछ ये ट्रोले के ही मतलब का ट्रैक्टर है भाई वह चलाते खेती बाड़ी में लेकिन जो इसका पूरा डिज़ाइन है वो हॉलेज के हिसाब से ही रखा गया है तो आपने देखा भाइयों कि किस तरीके से जो ट्रैक्टर जोर मार रहा है तो ये भी इनका एक अपना काम है जी इससे रोजी रोटी कमाई जाती है और ये कोई सस्ता काम नहीं है जी 15,000 रुपये पर चक्कर डीजल है बचत वचत तो बाद की बात है और भी खर्चे हैं और
20 लाख रुपए का ये सामान है जी पूरा, 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर और जो है 11 लाख रुपए की ट्रॉली। उसके बाद भाइयों रिस्क इतना है इसमें बहुत ज़्यादा, 25-30 करा दी जी। ओ किमें जी? ओ है जी 16 बंदे आंदे है सिक्के पिछे तो भरने के लिए। ठीक है जी, भर देने 16 बंदे। ठीक है जी, 16 दे पिछे ज्यादा तुही होर 16 ही अगे होंगे। ठीक है जी, खाली करने वाले ते लहो ए आपे लाउनी पेंदी है जी फैक्ट्री च? फैक्ट्री च ते आप लाउने नहीं। ठीक है जी, ठीक है। तो भाइयों इनका कहना है कि 25 आदमियों की रोटी चलाता है जी ये ट्रैक्टर, ऐसा नहीं है कि भरने वाले वहाँ से लेना करना सब कुछ। तो भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, धन्यवाद।